जो यहाँ से स्टेटमेंट से मैंने आपसे बोला था, जिससे भी पहले आपने वीडियो देखी होगी, इस स्टेटमेंट से पहले हम राइट साइड से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं. इट्स रेसिप्रोकल एंड इन नेचुरल नंबर मीन्स किसका ना, इट्स क्या है, इट्स किसका, यानी कि नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल एंड नेचुरल नंबर का सम किसके इक्वल है, 65 अपॉन 8 के इक्वल है. फाइंड द नंबर. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट सपोज लेट द नेचुरल नंबर इक्वल्स टू एक्स एंड इट्स रेसिप्रोकल एंड रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स. दोनों का सम क्या बोला है, एक्स और 1 अपॉन एक्स का सम कितना है, 65 अपॉन 8 है. यही बेसिक सा कंसेप्ट है. जैसे कि हमें दे दिया 3 और 3 का रेसिप्रोकल यानी कि इन दोनों का जो हमारा सम करते हैं वो कितना आता है, ये एग्जांपल के लिए कोई वैल्यू आती है हमारी. ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे दिया कि एक नेचुरल नंबर है और उस नेचुरल नंबर का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं और उनका सम करते हैं तो वो 65 अपॉन 8 के इक्वल आता है. ठीक है, सो गाइज ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट. स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बना ली, देन अब तो सिर्फ सॉल्व करना है हमें. सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. एलसीएम लेते हैं, एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 65 अपॉन 8. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 8x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 65x. नाउ 8x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो गाइज अब आपके फैक्टर करने, 8 और 8 हम देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा है, बिकॉज 65 है तो आप 8 कॉमन नहीं ले सकते, अगर यहाँ 64 होता तो 8 कॉमन ले लेते. ठीक है, नाउ 8 और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इज़ 64. 64 की ऐसे फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 64 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 65 आए. तो हमें डायरेक्टली ही मालूम है कि 64 में प्लस 1 कर दे तो 65 आता है एंड 64 में मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो 64 ही आता है. दैट मीन्स हमें किसी फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ यही करेंगे. सो 8x स्क्वायर माइनस 64 को हम क्या लिख लेंगे, 65 को हम क्या लिख लेंगे, 64 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 0. राइट, नाउ 8x स्क्वायर माइनस 64x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ 8x कॉमन लिया तो x माइनस 8 इज 64, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ x माइनस 8 कॉमन लिया तो 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Now when we put x minus 8 equals to 0, then x equals to 8, right? And now friends, reduce this, ठीक है? I hope ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा. Now when we put 8x minus 1 equals to 0, then 8x equals to 1 and x equals to 1 upon 8. So यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, x equals to 8 and x equals to 1 upon 8. क्या दोनों ही आपकी वैल्यू होंगी? सो देखते हैं हमें क्या गिवन है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए. जो वो नंबर है वो क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए. एंड 1, 2, 3, 4 ये आपके नेचुरल नंबर होते हैं, 1 अपॉन 8 आपका नेचुरल नंबर नहीं है. सो हम x की वैल्यू 1 अपॉन 8 नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज नॉट योर नेचुरल नंबर. x इक्वल्स टू 8 इज अ नेचुरल नंबर. सो हमारी फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड उसका जो रेसिप्रोकल है हमारा, हमसे नंबर ही तो पूछा है तो नंबर हमारा 8 हो गया. सो नंबर इक्वल्स टू 8. ठीक है, डायरेक्टली आप फर्स्ट सेकेंड मत लेके क्योंकि नंबर ही है, सिर्फ एक ही नंबर है, इसी का रेसिप्रोकल है सेकेंड जो था हमारा, तो 1 अपॉन 8 हो गया. सो नंबर इक्वल्स टू 8, दिस इज द आंसर. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है. नाउ स्टेटमेंट भी देखना है. सो आइए स्टेटमेंट देखिए कैसे हम लिखेंगे. सो गाइज दिस इज द स्टेटमेंट, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स. ठीक है, नाउ then its reciprocal equals to 1 upon x. Thus we have both ka sum equals to 65 upon 8 as we saw above. Then you will solve this question. Now since x is a natural number, so x is not equals to 1 upon 8 and so x equals to 8, hence the required number is 8. This is a statement you have to write in your notebook and in your exam copy. This is the
राइट पैटर्न ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन. ठीक है गाइस, फॉर गेटिंग फुल मार्क्स, सो यू हैव टू गेट फुल मार्क्स, सो राइट इट इन बाय द स्टेटमेंट, फुली स्टेटमेंट, सो यू विल सी हियर एंड इजिली विल राइट डाउन ऑन योर नोटबुक. ओके, सो गाइस इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 17 कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है. समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो सबके लिए हेल्पफुल हो. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रिंसेस क्वेश्चन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्विज क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.